पानी का नाक आप देख लें कितना ठंडा हो गया है, ये लाल लाल सारों के हो गए वो उनके तो ना। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ मखदूम साहब है बैठे ने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और शुक्र से। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी हम इस टाइम हैं इस्लामाबाद में, तो अभी जो है ना सारे रेडी हो रहे हैं कश्मीर के लिए निकलने के लिए। तो यहाँ पे सारा सामान जो है बैग शैग तैयार हो गए हैं, और अली क्या नाम है उनका भाई, भाई हसन भाई भी अभी रेडी हो रहे हैं। उनका मतलब कि एंड में जाके प्लान बनाया जाने का। उन्होंने कहा कि आप 2-3 दिन मेरे पास हैं तो क्या मैं यहाँ पे अकेला बैठ के करूँगा, मैं भी साथ में चलता हूँ। अभी वो रेडी होने के लिए गए हैं, फिर वो आ जाए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं रास्ते में। आप भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, रेडी होके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? ये हैं जी हसन भाई, रेडी होके आ गए। अभी हम सामान वगैरह यहाँ से लेके बाहर जाएंगे, अपनी गाड़ी में सामान रखेंगे और निकलेंगे कश्मीर की तरफ। बाहर चलें गाड़ी में, गाड़ी को देखें, गाड़ी बाहर मौसम को पाओ। मौसम तो बहुत बहुत प्यारा बना हुआ है यार, बादल बने हुए हैं जी। हम इस्लामाबाद में इंटर हुए और मौसम भी क्या खुशगवार बन गया है। कि शेख साहब बिल्कुल मौसम अच्छा बन गया ना। ओ गाड़ी हमारी, ये देखें लाइनें लगी हुई, हमारी गाड़ी बाहर गेट पे खड़ी हुई है। वकास भी आगे जा रही है, जहाज आ गए। क्या बने लाखड़ा हुए भाईजान, हमने पूरा अपना इंतजाम किया हुआ है, रास्ते में किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है। सारे रेडी हो गए, हमने सामान जी अपना पूरा किया हुआ है ताकि हमें रास्ते में किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है। कि अच्छा साहब सारे कुकर ए नाल हिक डू नाल शानी साहब ऐनक, तो आपको बहुत जबरदस्त लग रही है। सामान जल्दी से रखो फिर यहाँ से निकले टाइम से। जी जी बैठो बैठो जल्दी बैठ शानी। ओ भी नहीं पिए ये जी कैपिटल से निकलते हुए सिटी में अभी से बहुत ज्यादा रश लग गया है। अड्डा फैजाबाद के लिए कोटला पठान। कोटला पठान कौन जा रहा है अभी नीचे? बाहर जो है ना बहुत ज्यादा ठंड है। ये तो अभी हम मरी इंटर हो रहे हैं, इतना ज्यादा ठंड है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। शेख साहब, शेख साहब अभी यहाँ से कुछ ले रहे हैं वहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए, पता नहीं क्या ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह है ना। टमाटर ले रहे हो? हाँ ले लो एक तरबूज। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे फ्रूट, जबरदस्त। यहाँ पे अभी रुके गाड़ी पे, शेख साहब को भी चक्कर वगैरह आ रहे थे। हैं कितना हो रहा है? अच्छा इन करो ए चत्ती मार दे दिखाओ सामने। ओ क्या काट दे वे, क्या मार रही हो? काट दे वे बस वो समझ गई, डाकी लगा के दो क्या कहते हैं इसको, काट दे वे काट दे वे, चेक तक रुक जाए। हां देख रहे हैं क्या निकल रहा है। आओ ठीक है, जबरदस्त सुभान अल्लाह, ठीक है ठीक है। अरशद भाई जरा को जाके ना वो कुछ करो, यहाँ से एक पकड़ ली बोतल। बोतल यार इतनी मिट्टी की हुई पड़ी है, देख फटी है, फ्रिज तो चल नहीं रही। यहाँ से पकड़ एक ले, ये योगर्ट, कुरकुरे, चलो
भूख लग रही थी और यहाँ से हमने ले लिया कुछ हल्का फुल्का सा सामान, क्योंकि हल्की फुल्की भूख में कैसे चा साहब। हम जो है कश्मीर की तरफ रवा दवा हैं और आप देखें जब तक कश्मीर के ये जो रास्ते हैं खूबसूरत नज़ारे, इनको एंजॉय कीजिए आप साथ साथ हमारे। जी नीलम पॉइंट, नीचे दरिया है हसन, अभी जा रहे हैं नीचे दरिया में। खाना पीना था नीचे यहाँ यहाँ पे साथ जगा लें शीशे से बस ही मतलब तले बन पाओ। अभी यहाँ पहुँच गए हैं कोहाला, कोहाला ब्रिज है, कोहाला ब्रिज है ना, कोहाला ब्रिज है। अभी हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको वहाँ का माहौल भी दिखाएंगे। हाँ क्या पिलाते हैं? चाय पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, हम भी पीते हैं और आपको भी पिलाते हैं। क्या चीज? पकौड़े। अभी हमारा शेख साहब उल्टियाँ कर करके आ रहा है और नहीं खाएंगे कुछ पकौड़े वगैरह, अभी और भी करेंगे। हैं? हाँ जिसने भी करनी है यहाँ के यहाँ पे कर ले, रास्ते में नहीं रुकना। ओए माशाल्लाह, राम नल राम नल राम नल, ओ ख्याल से। ये देखें जी, इसका मसला नहीं है। उए, पानी तो बहुत ठंडा है यार। चाय जो है हमारी आ गई है, भाईजान लेके आ गए हैं। चाय कितनी है जी भाईजान? 1, 2, 3, 4, 5 और मैं 6। यार पकौड़ों का किसने कहा था भाईजान? तुसा की अदा का क्या कहना। वेलकम टू आजाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ना, एलईडी लाइट नहीं है यहाँ पे, बंद हो गई है, बिजली नहीं है अभी यहाँ पे। वाह 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 वाह। मुजफ्फराबाद यहाँ से 35 किलोमीटर। वेलकम टू कश्मीर। आप जो है ना कश्मीर में इंटर हो गए हैं, बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से ठहरिए, अपनी शनाख्त करवाएं, यहाँ पे हम अपनी एंट्री करवा रहे हैं सिक्योरिटी वालों के पास, उसके बाद हम आगे जाएंगे मखदूम साहब अगवा। हसीन रास्ते ये जो है कश्मीर, वाकई में सुनते थे पहले, मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ कि कश्मीर वाकई एक जन्नत है, जन्नत का नज़ारा है, जन्नत की वादी है। अभी यहाँ से आगे चंद मिनट के फासले पर आएगी एक आबशार, कश्मीर आबशार, कश्मीर आबशार पे अभी रुके हैं। कश्मीर आबशार पार्किंग, अच्छा ये सामने यहाँ से जा रही है लिफ्ट, वो परली साइड पे आबशार, वहाँ लेके जा रही है बंदों को, अभी आएगी वहां से बंदों को। ओ सामने देखें, वहां से आ रही है, एक जा रही है, ये आ रही है, वो जा रही है, ये देखें अभी यहां से आएगी ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर आके रुकेगी।
कश्मीर आबशार। हाँ जी क्या मूड है? 100 रुपये घोड़े की सवारी। अच्छा वाह क्या नजारे हैं कश्मीर। हाँ कश्मीर आबशार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अभी हम बैठ रहे हैं अपनी सवारी पे, सारे चले गए, मैं भी। अभी हम बैठ गए अपनी सवारी में, मैं और हसन भाई और वकास। अब इनका भी मूड बन रहा है, अब ये भी आ रहे हैं। यार बंदे कितने बैठ सकते हैं? सारे नो बंदे नो आज कलमा पढ़ लो शानी भाई, कलमा। शानी ब्रेक मारे जल्दी चबाला कश्मीर आबशार दुलाई। वो वाले इधर भी पहुंच गए यार। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। से हमने तस्वीरें पिक्चर वीडियो बना के अभी हम आ गए हैं नीचे। नीचे यहाँ पे होगी ये कश्ती जानी बोटिंग हो रही है ना, बोटिंग हो रही है। वो देखें वो सामने वो आ रही है। हसन भाई कह रहे हैं चलना कैसे का, मूड बना रहे हैं देखते हैं। अच्छा अभी तक मूड नहीं बना, वो क्या कहते हैं ना आज नोट भी था मेरा मूड बढ़े। कोई बात है वो देखें वो सामने। ये स्विमिंग पूल ऊपर से आबशार आ रही है यार, मजा आ गया है। हसन भाई मजा आया कि नहीं? मजा आ गया यार जबरदस्त। शाबाश, इधर से मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो। आपने भी इधर आने, दो मिनट में ये पहुंचा देगी यार उधर। ये क्या बता रहे हैं अभी चला फिर कश्मीर आबशार। कश्मीर आबशार से होते हुए अभी हम रवाना हो गए आगे मुजफ्फराबाद की तरफ। आगे आ गया मुजफ्फराबाद सिटी, मुजफ्फराबाद शहर, कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद। वेलकम टू मुजफ्फराबाद, कश्मीर के दारुल हुकूमत में हम पहुंच गए हैं मुजफ्फराबाद में। ये देखिए मुजफ्फराबाद की शहर, अभी हम इंटर हो गए हैं। ये मिनी बाजारो आ रही है। अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फराबाद में, ये मुजफ्फराबाद के मेन चौक पे अभी हम खड़े हैं। पुल देखो हसन भाई, पुल देखो कहाँ है पुल है? ये पुल है इधर। अच्छा जी अभी उस पुल पे चलते हैं, वहाँ पे पुल वाला व्यू देखते हैं कि वो कैसा है। मिस्टर नहीं है
चाइना से आए हुए ये बाइकर सारे है ना। ये किस चीज की कॉन्फ्रेंस हो रही थी? क्या लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 14 रोज हो चुके हैं ये मलेशिया से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे हैं कश्मीर के कैपिटल सिटी में मुजफ्फराबाद। अच्छा, ये बाइक पे आए तकरीबन सारे टोटली? वाह जबरदस्त, क्या बात है। ये देखें जी सारे, आपको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई है पहले, ये देखें ये सारे विजिटर हैं वहाँ से। मलेशिया का फ्लैग है अभी चल रहे हैं पीर तनासी, यहाँ से 28 किलोमीटर है और ये सारे कान जो है ना सारे बंद हो गए हमारे, इतना हाइट पे आ गए हैं, ठंड शुरू हो गई है, ठंड ऊपर शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छा बन चुका है माशाल्लाह, जबरदस्त व्यू है, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे हमारे टांगों में, टांग नहीं वो डर रहे हैं कि पीछे यार बहुत ज्यादा डर रहे हैं। शेख साहब उस्मान भाई हमारे पीछे बैठे हैं, वो जो मोड़ आता है ना, अरशद भाई तो लिस्ट से गए भी है, बोल ही नहीं रहे कुछ ना, देख रहे हैं आप कैसे लिफ्ट करा रहे हैं बाहर का, आपको व्यू दिखाता हूँ का मकाम छाया हुआ है, ये जो मतलब एकदम मोड़ आती है ना ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के, सन्नाटा इतना सन्नाटा छा गया कि डर से इनके खौफ दिल में बैठ गया है रास्ते देख है ना, बस ये गाड़ी अंदर ही देख रहे हैं बाहर नहीं देख रहे, नीचे बच्चों की तरह के कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है, बाहर बहुत ठंड पड़ गई है। फाइनली अभी जो है ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा सा वैसे है नीचे ही, ठंड बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जो कुल्फी हमारी जमेगी ना आए लेवल हो गया, लेवल लेवल है। ये देखें बर्फ के नजारे नीचे उतर के दिखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ठंड इतना है कि ओए 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 बहुत ज्यादा ठंड है दरबार के अंदर। जी ये देखो भाई जान, यहाँ के जो है ना इनकी बत्ती सी नहीं खड़ी, यहाँ पे इतना ठंड है बहुत ज्यादा, मजाक नहीं कर रहे, चांदी का नाक आप देख लें कितना ठंडा हो गया है, ये लाल लाल सारों के हो गए, वो उनकी तो ना बत्ती सी रुक नहीं रही थी, जबरदस्ती क्या नाम है आपका उस्मान भाई ने ना जबरदस्ती पकड़ के इनकी बत्ती सी रोकी है, तो अभी जो है सर्दी को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ से छली ले ली है, वो देखे आग जला के बैठे हुए साइड पे, ये है पीर तनासी, यहाँ से इतना हम हाइट पे आए हैं, वो पीछे मेरे आप बर्फ देख सकते हैं यहाँ पे, वो देखें ये बर्फ सारी बर्फ ही बर्फ है।